गाइस, वेलकम टू क्रिकेट कल्ट। मैं अपने दोनों खास दोस्तों के साथ हूँ, सिद्धार्थ लूथरा जो ऑफ कोर्स फाउंडर हैं क्रिकेट कल्ट के, एंड राघव नागपाल हु इज अ एविड क्रिकेट फैन एंड एक्स सेमी प्रोफेशनल प्लेयर। और हम तीनों आज बात कर रहे हैं, जो इंडिया टीम की अनाउंसमेंट हुई है अभी अभी श्रीलंका टूर के लिए, कल रात को सबने देखा ही होगा। और काफी मजेदार स्क्वाड है, काफी बातों पे चर्चा हो सकती है। कुछ नाम ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड थे इस इंडिया ए या इंडिया बैकअप स्क्वाड में, अगर इसे कहूं तो। सबसे पहले दोनों से जानना चाहूंगा इनिशियल थॉट्स, सिद्धार्थ और फिर राघव। इनिशियल थॉट्स आर आई एम वेरी हैप्पी फॉर देवदत्त पडिकल। मुझे बहुत खुशी है, मतलब आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ देवदत्त पडिकल, एंड ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड था। यू नो, आई स्टिल डोंट थिंक दैट ही माइट गेट अ चांस इन द प्लेइंग 11, बट मेरे को ये खुशी है कि नाउ उन पे ठप्पा लग गया है इंडिया प्लेयर होने का, क्योंकि वो बंदा डिजर्व करता है। वो रणजी ट्रॉफी में भी रन बनाता है, वो लिस्टे में भी बनाता है, वो T20 सैयद मुश्ताक अली में भी बनाता है, और एक सरप्राइज है मेरे लिए, वो है मनीष पांडे। That is looking back. You know, the only disappointment in this selection is Manish Pandey for me. I'm really, really excited about everyone else, Varun Chakravarti especially. Raghav, just to add to that, said I would say कि मुझे ऐसा लगता है Manish Pandey को T20 के लिए लिया गया है। उसका record काफी अच्छा है T20 में, and IPL के last कुछ मैचों में भी he started coming back to form. So, उस हिसाब से आई थिंक ही स्पेसिफिकली चोजन फॉर द T20 फॉर्मेट। बाकी और मैं स्क्वाड के बारे में बात करूं तो आई एम वेरी हैप्पी दैट शिखर धवन इज गोइंग टू बी द कैप्टन, ही इज गोइंग टू लीड द साइड। आई एम वेरी हैप्पी दैट हार्दिक पांड्या और समवन एल्स इज नॉट गिवन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिखर धवन काइंड ऑफ डिजर्व्स इट, ही हैज बीन इन द इंडियन सर्किट एंड द क्रिकेट सेटअप फॉर सो लॉन्ग, एंड आई थिंक नाउ ही इज गेटिंग द मेंटल ऑफ लीडिंग अ टीम एंड दैट टू द नेशनल टीम। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ ही एक्चुअली हैंडल्स द कैप्टनसी। इसमें जो राघव, रोहन, रोहन बिफोर यू स्टेप इन, एक मेरा पॉइंट है यार, मतलब मेरे को मनीष पांडे से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है राघव, बट क्या है कि इस सिलेक्शन व्हाट आर वी लुकिंग एट, दिस इज वी आर लुकिंग एट द फ्यूचर विद दिस टीम, राइट? मतलब मनीष पांडे से आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अपनी? आप ये देखो ना, आप T20 वर्ल्ड कप, आपने बोला T20 के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है, देयर इज नो वे नहीं होंगे ना, तो फिर आप किसी एक यंगस्टर को इंडिया, आप राहुल द्रविड़ के साथ भेज रहे हो, एक इंडिया का वो कहते हैं ना टेस्ट दिला रहे हो एक इंडियन ड्रेसिंग रूम का, आप यार किसी यंगस्टर को ही भेज दो। मनीष पांडे वैसे ही बाहर बैठते हैं। मैं एक बार ना अपने सारे व्यूअर्स और दर्शकों को एक बार टीम बता देता हूँ बाय चांस अगर किसी ने फॉलो नहीं करी हो। तो शिखर धवन जैसे कि राघव ने कहा कप्तान है, साथ में ओपनर्स में पृथ्वी शॉ है, देवदत्त पाडिकल जैसे सिद्धार्थ ने बोला, ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के, सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, नया नाम पहली बार जो इंडिया टीम में सिलेक्ट हुआ है नीतीश राणा, जिनका मैं पर्सनली काफी बड़ा फैन हूँ और मुझे लग भी रहा था इनका नाम आने वाला है। विकेट कीपरों में ईशान किशन और संजू सैमसन, आई थिंक ये उसमें कोई दो राय नहीं है, यही दोनों होते। युजवेंद्र चहल, राहुल चहर और कृष्णप्पा गौतम और कृणाल पांड्या और साथ में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, तो टोटल मिला के 6 स्पिन ऑप्शन है। और उप कप्तानी दी है भुवनेश्वर कुमार को, आई थिंक इनके लिए भी मैं काफी खुश हूँ, थोड़ा करियर इनका स्टार्ट स्टॉप होते हुए चल रहा है। दीपक चहर होना ही था, नवदीप सैनी और एक नया नाम जो हमारी सौराष्ट्र प्रीमियर लीग की खोज है, जिसे हम न्यूएस्ट रैक्स टू रिचेस्ट स्टोरी कह रहे हैं, चेतन सकारिया, इनके लिए भी बहुत खुश हूं मैं। तो ओवरऑल काफी वेल राउंडेड स्क्वाड है, बड़ा स्क्वाड है ऑफ कोर्स कोविड के चलते हुए। और जो एक मैं बात बोलूंगा राघव, जो आपने शिखर के बारे में कहा ना, ऑफकोर्स शिखर धवन एक्सपीरियंस प्लेयर है, आई थिंक 35-36 साल की एज हो गई है, बट ना वो कप्तानी एक्चुअली करना नहीं चाहते। उन्हें लाइफ में पिछले 10-12 साल से बहुत बार IPL में और फर्स्ट क्लास लेवल पे कप्तानी दी गई है, बट उन्हें ज्यादा मजा नहीं आता, तो वो थोड़ा बहुत करके छोड़ देते हैं। बट इस स्क्वाड में आई थिंक ये है कि उनके अलावा और कोई सीनियर मेंबर था ही नहीं, शायद 31-32 से ऊपर किसी की एज ही नहीं है। भूवी होंगे बस जो वाइस कैप्टन है। हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी आइडिया है कि उन्होंने इतने बार उनको मौका मिला है या उनको नहीं मिला है कप्तानी करने का मौका, और मे बी उन्होंने करना चाह नहीं है, बट यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उनको, सो दैट वुड बी रियली एक्साइटिंग कि वो क्या करते हैं। अभी तक तो उनको मौका मिला है कि किसी और को कर ले, गंभीर है और प्लेयर्स हैं, सब कर लेते हैं, बट अब यहाँ उन्हें ही दिखाना पड़ेगा, और कोई सीनियर प्लेयर है नहीं। इसमें एक और चीज है देखो रोहन, एक फर्क होता है। अब वो चाहे 3 मैच ही करेंगे या 6 मैच ही करेंगे, ही विल बी रिमेम्बर्ड एज एन एक्स इंडिया कैप्टन। वो बहुत बड़ी बात होती है,
वो एक मेरे ख्याल से राघव का वही मतलब था कि दैट द मैन डिजर्व्स इट, कि मतलब यार एक ऑनर ही है ना इंडिया की टीम को लीड करना, एक ऑनर ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक बहुत बड़ा डिबेट होता था ना, या काफी फेमस क्वेश्चन शेन वॉन से पूछा जाता है, या कहते हैं शेन वॉन के बारे में ऑस्ट्रेलियाज बेस्ट कैप्टन टू हैव नेवर कैप्टन, ऐसे ही गौतम गंभीर का भी सिद्धार्थ क्या बात होती है कि भाई उन्होंने इंडिया को लीड करा है बट ही वॉज नेवर सिलेक्टेड, वो एज अ बैकअप था कि धोनी इंजर हो गया या रेस्ट कर रहा है उस सीरीज के लिए। तो ये भी एक बड़ा टॉपिक है कि ऐसे केस में कैप्टन को गिना जाना चाहिए इंडिया की हिस्ट्री बुक्स में, मतलब ये मतलब दोनों साइड्स है इसकी। मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, और गौतम वीर का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, और आप दोनों उनके स्कूल से भी आते हैं तो बायस भी है थोड़े, ठीक है। तो गौतम गंभीर का रिकॉर्ड क्या है, 5 मैच 5 विक्ट्रीज अगेंस्ट अ क्वालिटी साइड लाइक न्यूजीलैंड, सो यू कांट टेक दैट अवे, बट चलो यू कांट टेक दैट अवे। आई एम नॉट सेइंग कैप्टन अच्छे नहीं है, दैट इज इन इंडिया। ये एक आगे अगली बात करते हैं, दिलचस्प क्वेश्चन है क्योंकि मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है। अब बताओ विकेट कीपर में खिला, सपोज एक ही को खिलाना है 6 के 6 मैच, किसको खिलाओगे, संजू को खिलाओगे मिडिल ऑर्डर में या ईशन किशन को कराओगे ओपन? संजू सैमसन का ही नंबर लगेगा और मिडिल ऑर्डर में ही लगेगा, उसके अलावा मुझे लगता नहीं, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट में ऑलरेडी आपके पास दो ओपनर मेरी नजर में तो फिक्स है, जो कि पृथ्वी शॉ और शिखर धवन होंगे, बाकी उसके अलावा भी दो ओपनर आपके पास हैं, तो ईशान किशन की जगह नहीं बनेगी शुरू के मैच में, क्योंकि सूर्य कुमार यादव वन डाउन जरूर खेलेंगे। मेरा आप दोनों से एक सवाल है, ठीक है, और मैं शायद थोड़ा सा इस टॉपिक से डाइग्रेस होऊंगा, बट ये मेरे को जो कहते हैं चुल है, मेरे को ये पूछना है आपसे, आप मेरे को बताइए कि जैसे रोहन एंड राघव, केएल राहुल है, ठीक है, अब केएल राहुल मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है, उसने 4 महीने वहां पे क्रिकेट नहीं खेलनी, एक मैच नहीं खेलेगा। अब आप मेरे को ये बताओ, एज अ फोर्थ ओपनर जो उसको भेजा है, वुडंट इट हैव बीन बेटर कि वो इस टूर पे होते, वो ही इज एन इंटेग्रल वाइट बॉल प्लेयर फॉर इंडिया। तो विकेट कीपर की आप बात कर रहे थे, मेरे को बस एक थोड़ा सा मैं टच करना चाहूंगा कि यार बेंच वार्म, एक बेंच वार्म करना एक बात होती है, मनीष पांडे का भी फॉर्म तभी स्लिप हुआ जब 2 साल वो नहीं खेल रहे थे, अब वो केएल राहुल को भी हम ऐसे ही कर रहे हैं क्या, उस टैलेंट को भी हम वेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट प्लेयर वो अभी तक फर्स्ट चॉइस तो है नहीं, और ओडीआई में भी हम उनको नहीं खिला रहे, और 3 महीने उन्होंने वहां पे बेंच पे ही बैठना, तो क्या सोचते हो आप, सॉरी थोड़ा सा डाइग्रेस करो। नहीं नहीं बिल्कुल यार, बात इसमें यही आ जाती है मेरे ख्याल, अब तो क्या इंडिया में टैलेंट इतना है, इतना इंडिया क्रिकेट खेलती है, आईपीएल हर साल होता है और हर साल नए स्टार्स आ जाते हैं, नए स्टार आ जाते हैं इसका ये मतलब नहीं कि पुराने वाले अच्छा नहीं कर रहे, तो दिक्कत हो जाती है, ऊपर खेलना 11 नहीं है बट वो पूल 20 30 40 50 का बन गया है, 50 के 50 डिजर्व करते हैं। तो मेरे ख्याल बीसीसीआई, जहां तक मुझे पता चलता है खबरों से, कि बीसीसीआई कोशिश करती है कि यार जो भी प्लेयर डिजर्व करता है ना, लेकिन उसे इंडिया एक लंबा रन नहीं मिल पाता, तो किसी तरह उन्हें ये साइड टूर इंडिया ए या 20 मेंबर 15 मेंबर स्क्वाड में किसी तरह फिट करके उनकी मतलब नवाजा जाए उन्हें, या जो भी कोई भी वर्ड आप उसके लिए यूज करें, मैं ये नहीं कहूंगा सही या गलत है, बट मेरे ख्याल ये थिंकिंग रहती है। और सेम मनीष पांडे का भी ऐसा ही है, सेम केएल राहुल का भी, जैसे आपने कहा ऐसा आई एग्री, विराट कोहली की कप्तानी की अगर मैं अपने पर्सनल उसमें बोलूं तो जो एक फैक्ट थोड़ा मुझे बुरा लगता है कि प्लेयर सेटल नहीं हो पाते या प्लेयरों का रोल नहीं है, जैसे अब ये इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज हुई थी उसमें संजू सैमसन नहीं थे, ठीक है, अब इसमें आ गए और आप जैसे राघव ने भी कहा संजू सैमसन ही खेलेंगे तीनों T20 या तीनों वनडे। रोहन वो तो देखो पोजीशन की वजह से है ना, अगर अगर ईशान किशन भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते या 4 ओपनर नहीं सिलेक्ट किए होते तो अभी भी ईशान किशन मेरे ख्याल से और T20 में शायद आप देखेंगे ईशान किशन को, मैं ये भी आपको बता दूं, ऐसा नहीं है उनको रूल आउट मत करो, ODI में नहीं खेलेंगे, बट T20 में मेरे को लगता है आप उनको देख सकते हैं, आउटसाइड चांस है उनका, ठीक है। और इससे ही मेरे को आप एक और क्वेश्चन है, तो रोहन क्या वरुण चक्रवर्ती अब फिट हो गया, अब उन्होंने योयो टेस्ट पास कर दिया? ये तो ऐसी गुत्थी है, योयो की गुत्थी जो कोई नहीं सुलझा पाएगा। मैं आपने वरुण का बोला, मैं यही कहता हूँ, आप दोनों पहले मुझे बताइए अपने 2 स्पिनर और 1 ऑलराउंडर स्पिनर चुनिए जरा, अगर जो आप खिलाएंगे ODI या T20? ODI या T20? पहले ODI बता दो फिर T20 बता दो। मैं आपको लेग स्पिनर्स का बता देता हूँ, मैं ODI में चहल को खिलाऊंगा, T20 में फॉर मी अगर आप मेरिटोक्रेसी पे जाएं, राहुल चहर इज माइल्स अहेड राइट। मैं तो राहुल चहर को दोनों फॉर्मेट में खिलाना चाहूंगा, T20 में भी और ODI में। बात क्या है कि जैसे सिद्धार्थ ने कहा ना, मेरे ख्याल अगर दोनों में एक में युजवेंद्र चहल को खिलाओ एक में राहुल चहर को खिलाओ, अब दोनों हो सकता है श्रीलंका की टीम जैसी हो पिचे जैसी हो दोनों हो सकता है अच्छा भी कर लें,
फिर एक दिक्कत आ जाती है कि इस टूर से आपने अचीव क्या किया, दोनों के नंबर 10 में से 8 हो गए, फिर आगे दिक्कत आती है, या तो ना कि एक बिल्कुल ही नीचे हो जाए तो सिलेक्शन इजी हो जाए। आपने राघव जैसे कहा कि 6 के 6 राहुल चहर को खिला दिए, उसके हो सकता है अच्छा भी परफॉर्म करे, आई डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड है, अच्छा करे, एक इंडिया रैंकिंग में आ जाए, बट फिर ये है कि आप युजवेंद्र चहल को इंडिया रिकग्निशन से एक कदम नीचे कर दोगे, जैसे कुलदीप यादव। बात यही है, इसमें बात यही है क्योंकि आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप में राहुल चहर का खेलना लगता है, तय है, तो आप युजवेंद्र चहर को अगर T20 में यहाँ खिलाओगे तो दैट मींस यू आर गिविंग आउट अ सिग्नल कि राहुल चहर की जगह नहीं है T20 वर्ल्ड कप में। और अगर आप युजवेंद्र को ODI खिलाएंगे और राहुल को वहां खिलाएंगे तो फिर वो चीज और ज्यादा क्लियर हो जाती है वैसे। बट मेरे हिसाब से क्योंकि आप राहुल चहर को एज अ फ्यूचर देख रहे हो अपना लेग स्पिनर, बिकॉज चहर का परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम से इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहा है, तो आई थिंक उस हिसाब से उनको 6 के 6 मैच खिलाने चाहिए। अच्छा ये रोहन मुझे लग रहा है या राघव की लाइट बंद हो गई है? नहीं नहीं थोड़ा अंधेरे में रहते हैं ना ये लाइट चली गई है आजकल, थोड़ा सा लाइट पे दिक्कत है, तो अभी आ जानी चाहिए वैसे तो। अच्छा चलो ये दिल्ली में बहुत ज्यादा जा रही है आजकल। अच्छा एक एक और सवाल है, आई एम रियली सॉरी, मेरे एक और सवाल है एंड देन वी विल कम टू प्लेइंग 11 करके रैप अप करते हैं, ठीक है? मेरा एक सवाल आपसे ये है, व्हाट अबाउट कुलदीप, इज ही जस्ट देयर टू फिल अप द नंबर्स? आप देखते हैं उनको खेलते हुए किसी भी फॉर्मेट में? दोनों दोनों से पूछ रहा हूँ। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि कुलदीप को सिलेक्ट करना थोड़ा सा गलत हुआ, नॉट कि मैं नहीं चाहता वो इंडिया खेले, अभी उन्हें आपने इंडिया से थोड़ा बाहर किया था, तो आई थिंक उन्हें ये 4-6 महीने आप थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने देते, बिकॉज के ओर एस पिछले 1-1.5 साल से इंडिया के लिए रेगुलर नहीं खेल रहे, बट जैसा आप कहते हो वो बेंच वार्म कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस तो हो नहीं रही, एक मैच लेवल कॉम्पिटिशन खेल नहीं रहे, 4-6 महीने ये डोमेस्टिक थोड़ा खेलने देते, एक्सपीरियंस आने देते, फिर मे बी यूज करते, क्योंकि यहाँ टूर पे चले जाएंगे मेंबर हैं, बट आई डोंट थिंक खेलेंगे, इफ एट ऑल खेले भी तो मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहा एज ऑफ नाउ। मतलब आप बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि आप बेंच स्ट्रेंथ चाहे 50 लोगों की बना लो, एंड में खेलना 11 versus 11 ही है, ऐसा नहीं है कि ये कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा किसकी सबसे ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ है, ये कॉम्पिटिशन हो रहा है कि जो 11 खेल रहे हैं उनमें बेहतर कौन खेल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 50 जैसे कोहली रोहित शर्मा वगैरह तो चलो ऊपर हो गए, बाकी मैं कह रहा हूँ उसके बाद 30 या 40 प्लेयर ऐसे हैं वो सारे 10 में से 8 नंबर वाले हैं, ऐसा हो ही नहीं पा रहा कि वो 9 पे आ जाए और 7 पे आ जाए तो एक डिफरेंशिएशन बन जाए सिलेक्शन के लिए, जैसे दिक्कत यही है सारे एक ही लेवल पे आ गए और बहुत अच्छे लेवल पे हैं। एनीवे मैं एक जो एक सवाल था इससे पहले कि हम फाइनल टीम बनाए, जरा 2-10 सेकंड में मुझे आंसर बताइएगा, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग मतलब सारे डिपार्टमेंट में स्पिन फास्ट बॉलिंग बैटिंग वीकनेस क्या लग रही है स्क्वाड में अगर बात करें? मिडिल ऑर्डर। अच्छा मेरे को बॉलिंग लग रही है, पेस बॉलिंग सिर्फ दो, फिर फास्ट बॉलिंग में ही मुझे हल्का लग रहा है इंडिया का स्क्वाड, सिर्फ भुवनेश्वर कुमार और आप दीपक चहर कह सकते हैं एक्सपीरियंस बॉलर है डेथ के लिए भी और नई बॉल से भी, नवदीप सैनी चेतन सकरिया बिल्कुल अननोन क्वांटिटी है इंडियन कलर्स में लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में, तो बिल्कुल सो वहां पे मुझे स्पिन मीडियम पेस डिपार्टमेंट जो है थोड़ा हल्का लग रहा है। बट राघव आप खेल भी तो श्रीलंका में रहे हैं, वहां पे पेसर्स का रोल ना के बराबर है, फिर भी आपको इनिंग शुरू भी करनी है और आपको इनिंग खत्म भी करनी है, तो और चेस अगर आप बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो आपको एक क्वालिटी पेसर चाहिए ही चाहिए। एक बात तो तय हो गई है लगभग कि हार्दिक पांडे स्टोर में भी बॉल नहीं डालने वाले, ये तो बिल्कुल इतने बॉलिंग ऑप्शन है इंजरी की वजह से, या अगर हो सकता है थोड़े फिट होके 5-6 ओवर डलवाने भी होते टूर पे तो वो भी नहीं मुझे लग रहा। यार मुझे तो ये लगता है कि कृणाल पांड्या शायद ओनली ऑलराउंडर है, इतने सारे नाम है बट ऑलराउंडर सिर्फ कृणाल पांड्या है। तो और तो मैं आपको एक और चीज बताऊं रोहन, मैं तो होता तो 6 इसमें 6 बॉलर ही खिला देता T20 में, तो अब ठीक है, और मैं कृणाल पांड्या को सिर्फ ODI में खिलाऊं। मेरे ख्याल तो यार दो अगर आपका जड्डू के बाद एक यही विकल्प है, अक्षर पटेल ने टेस्ट सीरीज में अच्छा किया बट मैं ना बैटिंग थोड़ी हल्की मानता हूँ उनकी लिमिटेड ओवर्स और इंटरनेशनल, वो इंग्लैंड गए हैं ना वो तो वैसे भी। हाँ तभी मैं कह रहा हूँ जड्डू के बाद आपके लिए वो 6-7-8 के स्पॉट पे सेमी ऑलराउंडर या ऑलराउंडर कह लो कृणाल ही ऑप्शन है। वॉशी वॉशी यार सिद्धार्थ एंड में जब टेस्ट में चलो बड़ा अच्छा किया बट ODI लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अगर आखिरी के 5 ओवर में 60-65 बनाने हो ना कृणाल की टेक्निक नहीं है वो बना देता, मतलब वो ले आएगा पास कैसे लाएगा। बट मैं आपसे मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ, कृणाल पांड्या पे मैं 4 ओवर पे डिपेंड नहीं कर सकता T20 में। कृणाल आपका 5वां नहीं है ना, आपने 6 बॉलर वैसे भी खिलाने, अगर हार्दिक बॉलिंग कर रहा है तो कृणाल को खिलाओ कि 2-2 ओवर आप दे दो, अगर हार्दिक नहीं कर रहा आपके बेस्ट 5 बॉलर
में आप कृणाल को नहीं खिला सकते थे, चार ओवर डिपेंड नहीं कर सकते उनपे। कृणाल तो ये दोनों पांड्या ब्रदर्स का मुझे ऐसा लगता है कि इनको एज अ प्योर फिफ्थ बॉलर, अगर एज ऑलराउंडर भी खिला रहे तो फिफ्थ बॉलर नहीं काउंट कर सकते। वी नीड टू हैव सम बैकअप इन आइदर टू ओवर्स और वन ओवर, मेबी इवन थ्री ओवर्स। So, इस हिसाब से एज रोहन ऑल्सो इज सेइंग, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बैटिंग के हिसाब से सिर्फ जडेजा ही एक ऑलराउंडर है हमारा जो नीचे हम जिस पर भरोसा रख सकते हैं, वॉशिंगटन हो गया और कृणाल पांड्या हो गया, तो हम मार सकते हैं वो रन, हमने देखा भी आईपीएल में उन्होंने कितनी बार करा, बट अंदर से भी वो भरोसा नहीं आ सकता मेरे हिसाब से तो कि ये कर देंगे। अच्छा, एनी डिसअपॉइंटमेंट्स गाइस, एनीवन यू वांटेड टू बी सिलेक्टेड हु हैजंट सिलेक्टेड, मतलब हमने सबकी बात करी है, ऐसे टॉप ऑफ द हेड तो मेरे नाम कोई आ नहीं रहा है। मेरे को था एक बार, मैं एक बंदे को देखना चाहता हूं, मैं ना दिनेश कार्तिक का बहुत बड़ा फैन हूं पर्सनली, चाहे वो जीरो पे आउट हो मुझे स्टाइलिश प्लेयर लगता है, बट अब ये अभी मैंने दो दिन पहले कमेंट्री कौन करेगा इंग्लैंड में। अरे ये अच्छा, ये एक तो ये ना जब से कमेंटेटर्स बनाने लगे सारे पुराने एक्स प्लेयर जो रिटायरमेंट के पास है, मेरे पास एक नाम है अगर आपके पास नहीं है बताओ। यार इंडिया में ना एक प्रॉब्लम है, चाहे अब रोहित शर्मा देख लो, शिखर धवन देख लो, विराट कोहली देख लो, केएल राहुल देख लो, ऋषभ पंत देख लो, श्रेयस अय्यर देख लो, कोई भी बैट्समैन ना बॉलिंग नहीं करता एक भी ओवर। अगर मान लो इंजर हो जाए ना कोई, किसी के बुमराह की किसी सेमीफाइनल में टांग खिंच जाए, तो फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, तो या तो विराट कोहली और वहीं पे वॉशिंग जैसे बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स आते हैं। तो मैं दीपक हुड्डा को देखना चाहता इस टीम में, क्योंकि वो दो ओवर डाल देते हैं। वो दीपक हुड्डा भी थोड़ा टू सून है सिद्धार्थ, मतलब ना 2017-18 तक तो दीपक हुड्डा इंडिया ए में होते थे, फिर पिछले दो साल में ना काफी उनका ग्राफ नीचे चला गया है। आप देखते हैं दिस आईपीएल थोड़ा अच्छा कर रहे थे, मे बी बाकी जो थोड़ा इंप्रेसिव थे इस आईपीएल में, इंप्रेसिव लगे मेरे को, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमने कितने लोगों को, अब जैसे साकरिया को भी दो, आप देखिए आपने एक ही आईपीएल की वजह से दिया है ना चांस, दीपक हुड्डा को भी दे देते हैं। साकरिया के लिए थोड़ा अर्ली है, बट ना ये वो लेफ्ट आर्म एंगल बैच जाता है। खलील अहमद पे इंडिया ने काफी इन्वेस्ट किया था 2019 वर्ल्ड कप से पहले, खलील ने डिसअपॉइंट किया है, वरना इस जगह पे खलील होता है इस वक्त, खलील अहमद। और नट्टू इंजर ना होते तब भी नहीं दिखते आपको सागरिया। नट्टू नहीं तेरे, श्रेयस अय्यर नहीं है टीम में भैया, वो भी इंजर्ड है, श्रेयस अय्यर तो अभी रिकवर कर रहे हैं अपनी इंजरी से। अच्छा, बट ट्रेनिंग व्रेनिंग तो करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, ट्रेनिंग कर रहे हैं, शोल्डर ऑपरेट हुआ है रोहन। अच्छा चलो, अब जस्ट टू फिनिश एक बार मुझे आप टीम बता दो दोनों, पहले सिद्धार्थ बता दो फिर राघव, फिर मैं अपनी बयान कर दूंगा टीम, और मतलब यही रखना जो अगर आप मिक्स करके ओडीआई टी ट्वेंटी यही 11 खिलाने हैं, इस हिसाब से बताना जरा। यार ये मैं मुश्किल हो जाएगा, मैं ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरी ओडीआई की टीम थोड़ी डिफरेंट होगी। मैं चलो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप आ रहा है, आप टी ट्वेंटी इलेवन बताए तो राघव से आप ओडीआई इलेवन पूछो। मेरे ओपनर्स होंगे करंट फॉर्म पे, इवन दो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ देवदत्त, शिखर एंड पृथ्वी, ठीक है। वन डाउन पे नो क्वेश्चन आज सूर्य कुमार यादव, टू डाउन संजू सैमसन, थ्री डाउन पे इफ हार्दिक इजंट बोलिंग मैं हार्दिक को ही डाल दूंगा थ्री डाउन पे, फोर डाउन पे आपका आ जाएंगे कृणाल पांड्या आ जाएंगे, जो कि मैं उनको क्योंकि अगर फाइव डाउन खिलाऊंगा तो वो फिफ्थ बॉलर बन जाएंगे मेरे, तो मैं वो और श्रीलंका है तो वो मैं नहीं करूंगा। फिर उसके बाद फाइव डाउन पे आ जाएंगे मेरे लिए भूवी आ जाएगा, मैं एक और स्पिनर ये राहुल चहर, वरुण चक्रवर्ती सिक्स सेवन एंड दीपक चहर एट एंड कृष्णप्पा गौतम को भी मैं एक चांस दूंगा, कृष्णप्पा गौतम, ठीक है। ओडीआई स्पिनिंग के विकल्प हो गए। अगर ओडीआई की तरफ देखा जाए तो मेरे हिसाब से ओपनर वही रहेंगे शिखर धवन और पृथ्वी शॉ। मुझे पता है देवदत्त पार्टिकल और गायकवाड़ की फॉर्म बहुत अच्छी रही है, बट आई थिंक एज अ सेट ओपनिंग पेयर जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी है और प्रीवियस इंडियन एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इनके साथ ही जाऊंगा ओपनिंग के लिए। वन डाउन जो है नो डाउट सूर्य कुमार यादव ही होंगे, फिर सेकंड डाउन के लिए आई थिंक नीतीश राणा आ सकते हैं ओडीआई के लिए भी। नंबर पांच पे मैं खिलाऊंगा संजू सैमसन को एज अ विकेट कीपर, नंबर छह हमारे हार्दिक पांड्या, नंबर सात कृणाल पांड्या होंगे जो हमारे ऑलराउंडर के फॉर्म में आएंगे, अगर हार्दिक पांड्या बॉल डालते हैं तो हमारे पास दो ऑलराउंडर का विकल्प हो सकते हैं। नंबर आठ पे हमारा जो है वो
हमारा एक युजवेंद्र चहल जो स्पिनर है मेन, वो मैं पिक करूंगा। उनके साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्पिनर मैं अपनी तरफ से कुलदीप यादव को देखना चाहूंगा। बहुत टाइम से वो बाहर बैठे हैं एंड ओडीआई का फॉर्मेट उनके लिए फिर भी अच्छा है परफॉर्म करने के लिए और टाइम देने के लिए। इस हिसाब से मैं हमारा वेरी ओन कुलचा फॉर्मेशन को खिलाना चाहूंगा। उसके बाद जो मेरे दो पेसर रहेंगे वो भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर। ठीक है, काफी बैलेंस स्क्वाड है। मैं अगर अब अपना बताऊं, ये मेरी टीम है, मैं ये नहीं कह रहा ये खेलेगी या इस हिसाब से खेलेगी, बट अगर मुझसे पूछे इम्पैक्टफुल तो शिखर को वैसे मैं ना शायद ना रखता, बट कप्तान है तो रखना पड़ेगा, खेलेंगे ओपन करेंगे तो शिखर धवन और ईशान किशन, ओडीआई हो या T20 हो, मतलब आई फील जैसे जितना ऋषभ पंत को लेवरेज मिला है पिछले 4 साल में, मेरे ख्याल एक सीजन पूरा सीजन या एक डेढ़ सीजन ईशान किशन पे भी करना चाहिए इन्वेस्ट, चाहे इंडिया पे नहीं बट एक इंडिया ए लेवल तक तो करना चाहिए। शिखर धवन ईशान किशन ओपन करेंगे मेरे लिए, और मिडिल ऑर्डर होगा मेरा सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन और मनीष पांडे। मनीष पांडे मैं श्योर नहीं हूँ बट उस नंबर पे ना मुझे कोई रिलायबल, बस एक नीतीश राणा ही है जिनको अभी मे बी ना खिलाए, तो ये तीन होंगे। और छठे सातवें पे पांड्या ब्रदर्स, आठवें नंबर पे मैं रखूंगा मतलब फिर आठवें से मेरी बॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं युजवेंद्र चहल को रखूंगा, मैं भुवनेश्वर कुमार को रखूंगा, मैं दीपक चहर को रखूंगा। अब यहाँ एक ऑप्शन है कि मैं स्पिनर रखना चाहता हूँ, अब स्पिनर में कुलदीप यादव रह गया, राहुल चहर रह गया या कृष्णप्पा गौतम। कृष्णप्पा गौतम मैं भी थोड़ा कन्विंस नहीं हूँ, तो मैं राहुल चहर के साथ जाऊंगा, तो मैं दोनों लेग स्पिनर खिलाऊंगा और साथ में कृणाल पांड्या, बिकॉज दोनों लेग स्पिनर भी डिफरेंट वेराइटी के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। और इसमें यह है कि आपको अगर युजवेंद्र चहल को ऊपर पावर प्ले में भी डलवाना पड़ा एक आध ओवर, चौथा पांचवा छठा ओवर, तो आपके पास राहुल चहल के ओवर बचेंगे 17 या 18 तक। मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगा कि अगर रोहन हम तीनों एक लीग में फैंटेसी गेम खेल रहे होते और अगर हम तीनों अपनी टीम से कम्पीट कर होते, या तो आप बिल्कुल नीचे आते या आप बिल्कुल ऊपर होते, क्योंकि आपकी टीम भी हमारी टीम से बिल्कुल अलग है। वो तो है ही, बट आप दोनों की टीमों में ना मैं एक ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ, आप अगर हार्दिक बॉलिंग नहीं कर रहा तो आप सिर्फ 5 बॉलर खिला रहे हो, कृणाल को 4 ओवर के लिए खिला रहे हो आप, तो आर यू गाइस श्योर? मैं अपनी टीम में नितीश राणा को खिला रहा हूँ, अगर बॉलिंग के विकल्प अच्छा चाहिए तो ओवर वो डाल सकते। ओके, तो वो मैं वही उसकी जगह कृष्णप्पा एक तरीके से एडिशनल ऑप्शन खिला रहा हूँ नितीश राणा वाली जगह पे। यानी आई एम जैसे अगर मैं इंग्लैंड T20s की भी बात करूँ जो 5 बॉलर खेले हैं अगर हमारे, आई एम वेरी कन्विंस्ड अगर जो ये मेरे 5 बॉलर मैंने चूज करे हैं कृणाल इंक्लूडेड विद श्रीलंका पिचेस एंड द टीम एंड द वेदर, तो ये परफॉर्म कर देंगे। वरना अब भाई हार्दिक पांड्या का इंजरी स्टेटस तो हमेशा की तरह एक मिस्ट्री ही रहेगा, आई डोंट नो उस पे कब अब हमें कुछ क्लैरिटी मिलेगी। बट लास्ट ऑब्जर्वेशन रोहन, सॉरी लास्ट ऑब्जर्वेशन, आप दोनों में से किसी ने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया? नहीं रोहन कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं होता, और इतनी कम एज में तो कोई भी मिस्ट्री नहीं होती, सिर्फ एक्शन की वजह से आप मिस्ट्री कहते हो कि बंदा भाग के अजीब सा आ रहा है या बॉल अलग से पकड़ रहा है या बॉडी लैंग्वेज ऐसी है या कुछ कहता है, एक्चुअली तो जो बॉल फेंक रहा है वो ऐसे कैरम फेंक रहा है, ऑफ स्पिन डाल रहा है या टॉप स्पिन डालेगा, कहता है वो कोई मिस्ट्री नहीं होती। श्रीलंका जैसी जगह पे तो, और वहां तो पैदा ही मिस्ट्री स्पिनर्स होते हैं सिर्फ, तो आई डोंट ऑनेस्टली मैं लॉन्ग टर्म में देखता भी नहीं वरुण चक्रवर्ती का कोई इंडिया करियर या इंडिया फ्यूचर ना। शॉर्ट टर्म दो T20 वर्ल्ड कप के लिए चलो मैं एक प्रेडिक्शन पे छोड़ जाता हूँ, मैं कह रहा हूँ वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग 11 में खेलेगा ही खेलेगा, वरना वो सिलेक्ट ही ना होता, बड़ा सिर्फ T20 में ही खेल पाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा हो जाएगा बैट्समैन को रीच करना बहुत आसान है बैट्समैन के लिए, 4 ओवर में तो फिर भी बैट्समैन के पास टाइम कम है। I agree, I'm talking about T20, skipping the T20 World Cup in mind. चलो फिर देखना पड़ेगा, 13 जुलाई का इंतजार करते हैं, अभी है काफी टाइम, मतलब महीना भर से भी ऊपर है, काफी जल्दी टीम अनाउंस कर दी है BCCI ने, काफी टाइम एंड प्लेयर्स के पास अपनी प्रिपरेशन करने का, आई एम श्योर अभी तो सब लॉकडाउन में ही होंगे बट अब थोड़ा घर से बाहर निकलेंगे, देखते हैं वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं कि नहीं जैसा सिद्धार्थ कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर करते हैं आज की चर्चा समाप्त। अभी तो ये भी देख सकते हैं कि अभी स्क्वाड अनाउंस हुआ है, क्या पता प्लेयर अपनी प्रैक्टिस में आए तो कोई इंजर्ड दोबारा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, वरुण तो बाज दफा हो जाते हैं।
प्रैक्टिस में. नहीं नहीं बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है. और कुछ फाइनल वर्ड्स, अदरवाइज थैंक यू बोलूं दर्शकों को. बस क्रिकेट कार्ड को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और ऐसे ही कंटेंट का मजा उठाते रहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राघव की लाइट फिर फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब हमें संकेत मिल गया है. बिल्कुल, आई थिंक अभी ये बहुत हम बात चर्चा कर चुके हैं, आई थिंक लाइट भी कह रही है कि इतना चर्चा बहुत है. चलिए रैप अप करते हैं. थैंक यू एवरीबॉडी ये वीडियो देखने के लिए, और प्लीज हमें अपना प्यार दिखाते जाइए. लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए क्रिकेट कल्ट ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे और द क्रिकेट कल्ट यूट्यूब पेज को भी. और हम उम्मीद करते हैं हम ऐसी इसी तरह की मजेदार गपशप वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राघव, थैंक यू सिद्धार्थ.